पुलिसकर्मियों के बीच लाल रंग की टी शर्ट में मुस्कुराता यह शख्स कोई आम व्यक्ति नहीं है। इसे बेगूसराय की पुलिस ने हरियाणा के गुरुग्राम से गिरफ्तार किया है। 8 वर्षों से पुलिस की आंख में धूल झोंक कर फरार चल रहे इस शख्स की गिरफ्तारी बेगूसराय पुलिस के लिए अहम कामयाबी मानी जा रही है, क्योंकि चेहरे पर कुटिल मुस्कान बिखेरता यह शख्स हत्या, लूट, बलात्कार और डकैती जैसे संगीन मामलों का फरार आरोपी है। दरअसल बेगूसराय के मटिहानी थाना क्षेत्र अंतर्गत सीमा गांव निवासी इस शख्स का नाम शिव शक्ति सिंह है। बेगूसराय पुलिस पिछले 8 वर्षों से उसकी तलाश कर रही थी। ऐसा लग रहा था कि इसके खिलाफ दर्ज मामलों की जांच किसी मुकाम तक नहीं पहुंच सकेगी, लेकिन तभी बेगूसराय के एसपी अवकाश कुमार को रडार पर कुछ सिग्नल मिले। मतलब ये कि एसपी अवकाश कुमार के हाथ इस शख्स का मोबाइल नंबर लग चुका था। इसके बाद एसपी ने इसके मोबाइल को रडार पर ले लिया। फिर मालूम पड़ा कि यह शख्स हरियाणा में घूम रहा है। एसपी ने तत्काल एक स्पेशल टीम का गठन कर उसे हरियाणा रवाना किया। कहा जा रहा है कि जब बेगूसराय पुलिस हरियाणा पहुंची तो शिव शक्ति सिंह को देखकर खुद पुलिस भी सकते में थी, क्योंकि बेगूसराय का दुर्दांत अपराधी शिव शक्ति सिंह हरियाणा में ऑटो चला रहा था। बेगूसराय के सदर एसडीपीओ राजन सिन्हा के मुताबिक शिव शक्ति सिंह के खिलाफ हत्या, लूट, बलात्कार और डकैती जैसे कई संगीन आपराधिक मामले दर्ज हैं। कई मामलों में इसके खिलाफ अस्थायी वारंट तक निर्गत किया जा चुका था। इसके बावजूद यह शख्स हरियाणा में ऑटो चलाकर पुलिस की आंखों में धूल झोंकता रहा। इस जिला का एक टॉप 10 का फरारी, काफी कुख्यात अपराधी कर्मी जो मटिहानी थाना क्षेत्र के हैं, उनका नाम शिव शक्ति सिंह है। वो करीब 8 साल से फरारी चल रहे थे, पकड़ने का प्रयास उनका जारी था। इधर बीच में पुलिस अधीक्षक महोदय को उसके रहने की सूचना मिली, पता चला कि वो हरियाणा के चक्करपुर में कहीं ऑटो चला रहा है। उस सूचना के आधार पर उनके द्वारा एक टीम का गठन किया गया। टीम में मटिहानी थाना प्रभारी संतोष और डीआईयू के जो प्रभारी हैं पल्लव कुमार, ये दोनों अन्य चीताबल के सहयोग से वहाँ गए और छापामारी कर इसकी गिरफ्तारी की गई। इनके विरुद्ध इस जिला में अभी 11 कांड मिला है विभिन्न थाना क्षेत्र में, जैसे मटिहानी थाना क्षेत्र में, मुफस्सिल में, लाखों में, बीरपुर में, तेघड़ा में। इनका कार्य क्षेत्र लगभग पूरा जिला रहा है। पूर्व में पूर्व के अपराध कर्मी थे, अभी वर्तमान में ये ऑटो चला रहे थे। आप ये आर्म्स एक्ट में भी हैं, ये लूट में है, ये डकैती में है, ये चोरी के चीज सामान रखने में है, 353 में भी है, मैंने सरकारी कार्य में बाधा, हत्या का भी इन पे है, 302 का भी है, बलात्कार का भी कांड है। मैंने कोई भी शायद मुख्य अपराध का कोई भी शख्स नहीं छूटा है जिसके ये अपराध करने। ये 50,000 के इनामी भी रहे और जो भी टीम गई उनको पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा बोला भी गया है जो इनाम की राशि उन लोगों को मिली है। बताया यह भी जा रहा है कि शिव शक्ति सिंह भले ही हरियाणा में ऑटो चलाने में लीन था, लेकिन वह बेगूसराय के अपराध जगत से भी हॉटलाइन पर कनेक्टेड था। इसका आपराधिक इतिहास देखिए 2005 से शुरू है और 2016 तक है। इसका मतलब है कि यह बीच में यहाँ अपराध करते थे, फिर अपराध छुपने के लिए हरियाणा चले जाते थे, वहाँ अपना ऑटो या जिस तरह से अन्य जीवन यापन करते थे, फिर यहाँ कर यहाँ अपराध करते थे और फिर चले जाते थे। लास्ट में 2016 में भी मर्डर केस के लिए तेघड़ा थाना में इनके विरुद्ध कांड दर्ज। जब भी किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की प्लानिंग होती थी, शिव शक्ति सिंह बेगूसराय पहुंच जाता था। वारदात को अंजाम देने के बाद बड़ी ही आसानी से वह फिर हरियाणा की ओर रवाना हो जाता था। ऐसे में वह बड़ी ही आसानी से पुलिस की आंखों में धूल झोंकता रहा, लेकिन इस बार उसकी किस्मत उसे मात दे गई और बेगूसराय पुलिस ने इस कुख्यात अपराधी को धर दबोचा। रिपब्लिकन ब्यूरो बेगूसराय। रिपब्लिकन न्यूज से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहाँ बेल को दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।